अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सायरा और आज मैं आपको होममेड फेशियल करने का तरीका बताऊंगी। और जो ये फेशियल है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बेस्ट है। और वो फेशियल हम किस चीज़ का करेंगे, वो है ये टमाटो, यानी और आज मैं आपको टमाटर से फेशियल करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों के अंदर हमें ये टमाटर का फेशियल बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब ईद ख़त्म हो गई है और अब शादियों का सीज़न है। तो और इस टमाटर के फेशियल से यानी हमारी स्किन पे से जितनी भी डेड स्किन होती है वो ख़त्म करता है टमाटो फेशियल, और हमारी स्किन से पिंपल वगैरह और जो हमारी स्किन पे टैनिंग हो रही होती है वो भी रिमूव करता है। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो गाइस, आप सोच रहे हैं साबुत टमाटो से किस तरह फेशियल करेंगे, तो हम इसको इस टमाटर को कद्दूकश करके अच्छी तरह और इसका पल्प निकाल लेंगे सबका। फिर ये मैंने टमाटर का पल्प निकाल लिया, अब हम इसको जो टमाटर के पल्प से बनाएंगे क्लीजिंग। तो इसके अंदर हम इसमें से पल्प में से एक चम्मच जितना लेंगे ये अपना टमाटर का पल्प, और इसका रखेंगे साइड में। और जो बाकी हम इसका बनाएंगे स्क्रब और फेस मास्क वो बाद में बना के दिखाऊंगी। अब इसके अंदर जो हम क्लीजिंग जो इसकी बना रहे हैं इसमें ऐड करेंगे ये कच्चा दूध है, कच्चा यानी दूध, क्योंकि कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। एक चम्मच जो हम इसमें कच्चा दूध ऐड करेंगे, और मिल्क तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये कच्चा दूध ऐड कर लिया, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम ये अरके गुलाब, ये अरके गुलाब है इसका भी हम डालेंगे एक चम्मच, अरके गुलाब का ही एक चम्मच डालेंगे, क्योंकि अरके गुलाब और तो गाइस ये मिल्क और अरके गुलाब इसके अंदर डाल दिया, और क्योंकि अरके गुलाब और दूध भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि दूध जो मिल्क होता है हमारी स्किन के ऊपर क्लीजिंग का काम करता है, और अरके गुलाब भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर मैं एक चम्मच जो है जौ का आटा ऐड करूँगी, और आपको तो पता ही है जौ कितना ताकतवर होता है और जो खाने में हमें ताकत पहुँचाता था ये। अभी इसको हम अपनी स्किन पर लगाएंगे तो ये हमारी स्किन को भी वैसे ही ताकत देगा, और हमारी स्किन को बहुत यानी खूबसूरत बनाएगा, जिल को टाइट करेगा। तो ये हमारी जो ये पेस्ट बन रही है डबल क्लीजिंग बन के तैयार हो गई है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं अपने फेस पर आपको इसकी क्लीजिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लीजिंग तैयार हुई है, और गाइस ये देखें क्लीजिंग तैयार हो गई, इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अभी क्लीजिंग लेके इसको हम टमाटो की क्लीजिंग लेके अपने फेस पर अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे 5 मिनट तक, और जितने भी फेशियल स्टेप हैं और फेशियल पॉइंट हैं उनको हम अच्छी तरह ध्यान में रखकर अपना फेशियल करेंगे। ये फेशियल हमारी स्किन से टैनिंग को ख़त्म करता है, हमारी स्किन जो यानी स्किन के अंदर पिंपल वगैरह हो रहे होते हैं उनको भी रिमूव करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन पे शाइनिंग लाता है ये फेशियल टमाटो फेशियल। और ये फेशियल करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, अब क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं इससे हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा यानी डैमेज हो रही है, हाथ पैरों की भी हो रही है और फेस की भी हो रही है। तो आप ये फेशियल यानी अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों और पैरों के ऊपर भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये फेशियल है। और ये क्योंकि होममेड फेशियल है इसका तो कोई नुकसान ही नहीं है, आप हम इसको महीने में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल यानी कर सकते हैं फेशियल खुद घर के अंदर। और अभी मेरा फेशियल हो गया मुँह धो के, अब ये देखें मैं दिखा रही हूँ एक ये देखें क्लींजिंग करने के बाद ही कितनी यानी चेहरे पे शाइनिंग और आई है। अच्छा तो अभी मैं ये टमाटो का पेस्ट लेकर इसका स्क्रब बनाऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्रब बनता है। स्क्रब बनाने के लिए एक चम्मच टमाटो पेस्ट लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच चावल का आटा, और ये चावल का आटा जो मैंने घर में खुद ही ग्राइंडर किए हैं ये बिल्कुल ऐसे ही यानी बना है जिस तरह के स्क्रब के अंदर बारी बारीक जर्रे होते हैं ना, इसी तरह ये स्क्रब बनेगा। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं एक चम्मच ये खुश्क दूध, अगर आपके पास फुल क्रीम दूध है तो वो आप यूज़ कर लें, मेरे पास क्योंकि बुनियाद रखा हुआ था तो मैंने ये यूज़ कर रही हूँ एक चम्मच। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि खुश ये मिल्क जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारी स्किन के अंदर जो यानी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है टमाटो भी मिल्क भी, और ये चावल का आटा है। और चावल का यानी तो आपको पता है जैपनीज में कितना इसकी यानी इसको
इसकी रेमेडी बना के अपने फेस के ऊपर स्किन की यानी सॉरी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए, ग्लास स्किन के लिए। अब ये जो स्क्रब बन के तैयार हो गया इसको मैं अपने फेस के ऊपर लगाई हूँ, और क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत यानी तेज़ कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब इसको लेके अब हल्के हल्के हाथ से मैं ये इसको स्क्रब को मसाज कर रही हूँ, उसको 5 से 7 मिनट तक इसका मसाज करेंगे और अच्छी तरह हम इसको अपने फेस के ऊपर करेंगे। ये होठों यानी लिप्स के साइड में जो हमारे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, नोज की साइडों में जो होते हैं, इसको भी अच्छी तरह करेंगे। अच्छी तरह अपने होठ पे, नोज़ों पे, गाल पे इसका मसाज करेंगे। बहुत लाइट यानी हल्के हाथ से हम इसको उसका मसाज करना है, क्योंकि चावल का आटा है ना, थोड़े जर्रे हैं ना, तो इससे हमारी स्किन छीले नहीं। और अब मैं दोनों हाथों में लेकर उसको अच्छी तरह अपने फेस के ऊपर मसाज कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं हर स्टेप को अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ, हर फेशियल यानी पॉइंट पे कर रही हूँ। इस तरह करके अपने फेशियल को करना है, यानी हमारे स्क्रब करने से जितनी हमारी डेड स्किन होगी वो भी उतर जाएगी, हमारी स्किनिंग के ऊपर जो टैनिंग होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, हमारी स्किन टाइट भी होगी, खूबसूरत भी लगेगी, शाइनिंग भी देगा हमारा फेस ये वाले फेशियल करने से। और ये होम रेमेडी होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, इनका रिजल्ट स्लो तो होता है लेकिन देर पर रहता है। अभी मुँह देखें, फेस धो के अगर आप देख सकते हैं कि कितना मैंने ये गाल ये देखें कितना चमक रहे हैं और साफ कितना क्लियर लग रहा है फेस, ज़बरदस्त। अब ये मैं फेस पे यानी मार्क्स बना रही हूँ, ये 1 चम्मच जितना इसका पेस्ट है टमाटो का, टमाटो का ये पेस्ट है। और आप देखा होगा कि टमाटर की स्किन और जैसे स्किन होती है ना चिकनी चिकनी टाइट टाइट, तो जब हम इस टमाटर को इस्तेमाल करेंगे अपने फेस के ऊपर तो ये ऐसे ही हमारी स्किन को बनाएगा। तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी यूज़ डाल रही हूँ, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसके अंदर 1/2 चम्मच जितना है ये हल्दी डाल रही हूँ। और हल्दी तो आपको पता है कितनी बेनिफिट होती है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो जर्सिम वगैरह होते हैं ना जो हमारी स्किन को ख़राब करते हैं, पिंपल वगैरह बनाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है हल्दी। और मुल्तानी मिट्टी का तो आपको पता है कितना बेस्ट है हमारी स्किन के लिए, ख़ासकर गर्मियों के लिए, क्योंकि जिनके स्किन पर दाने हो जाते हैं, जिनके पूरे जिस्म के ऊपर गर्मी दाने निकल आते हैं, वो बहुत से तो अपने पूरे जिस्म पे ही मल लेते हैं। कच्ची यानी मुल्तानी मिट्टी इतनी होती है क्योंकि ये हमारी स्किन से जो हीट जो होती है ना हमारी स्किन के यानी बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करती है, इसी तरह फेस के ऊपर से भी करती है। अब ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया है, इसको अच्छी तरह मैं अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी, अच्छी तरह अप्लाई कर रहे हैं फेस के ऊपर। ये फेस हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इस फेस पैक को बना के हफ्ते में दो दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस फेस इस ये मास्क के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए। अब इसको देखें, इस मास्क मैं अपने हाथ पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं फेशियल कर रही थी फेस का, तो उसके फेस के साथ साथ मैं अपने हाथों का भी फेशियल कर रही थी। और अब मास्क मैंने मुंह पे लगाया तो हाथ पे लगा लिया, फिर सूख जाएगा तो फिर मैं दिखाती हूँ। और ये गाइस ये देखें, मेरा मास्क अच्छी तरह सूख गया है, और मैं आपको अपना फेस धो के फिर दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। और गाइस देखें, लाइट चली गई है, अब मैं ये टॉर्च के अंदर दिखा रही हूँ अपना फेस, और ये देखें कितना क्लियर और कितना नीट लग रहा है फेस मेरा, मैंने कोई क्रीम